हेलो दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र पटेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल LCS। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल नोड JS ऑन विंडोज एज वेल एज कि जो इंट्रोडक्शन है नोड JS का, वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल इन दी नोड JS। सो बेसिकली क्या होता है कि दो चीज़ होती है। फर्स्ट वन इज वी हैव टू क्रिएट एन सर्वर एज वेल एज दी इम्पोर्ट द रिक्वायर मॉड्यूल। सो बेसिकली वो दो पार्ट में होता है। तो पहले हम करेंगे इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्ट मॉड्यूल, सॉरी, देन सेकेंड पार्ट क्रिएटिंग सर्वर। सो ये दो पार्ट में होता है। सो बेसिकली हमें क्या इंपोर्ट करना होता है कि जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें एक वेरिएबल करके HTTP रिक्वायर्ड HTTP इंपोर्ट करना है, राइट। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करना है तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सो बेसिकली वेयर हरी HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर्ड HTTP। सो इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल, कोई भी हमारा HTTP सर्वर पे हमें रन करना है। तो अब बात आती है क्रिएटिंग सर्वर। सो उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। सो बेसिकली जो है हमें क्या करना है उसका कि एक HTTP रिक्वेस्ट सर्वर क्रिएट करना है। सो उससे बेनिफिट होगा कि आप जो भी बनाओगे सो उससे आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, जो हम एक पोर्ट नंबर देंगे जो लोकल होस्ट का, और वहां से वो रिस्पॉन्ड करेगा। सो बेसिकली हम बात करते हैं पहले कि कैसे क्रिएट करें हमारा ये सर्वर। सो पहला है हमारा HTTP.createServer। सर्वर, ओके। सो उसमें क्या फील्ड आती है तो वो हम देखेंगे। सो बेसिकली जो रिक्वायर फील्ड होती है क्रिएट सर्वर करके, तो उसमें फंक्शन है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो चीज हमें डालनी पड़ती है। तो हम उसको डालेंगे फंक्शन ब्रैकेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ओके। सो ये हो गया हमारा सर्वर। डन। सो इसी तरह से हम बनाते हैं हमारा रिक्वेस्ट एज वेल एज दी रिस्पॉन्स सर्वर। सो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे अभी कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली हम उसमें क्या डालेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हेड में आना चाहिए और रिस्पॉन्स एंड भी होना चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो कैसे लिखते हैं। सो पहले मैं काम करता हूं कि आपको दिखा देता हूं कि क्या है एग्जैक्टली। सो उससे बेनिफिट होगा कि आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो। सो यहां पे हमें लिखना है रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड और उसमें एक सिग्नल पास करवाना है, उसका हम देते हैं 200। देन वी हैव टू डिफाइन इट कंटेंट टाइप। डैश टाइप देन कॉलन सिंगल कोटेड टैक्स ऑब्लिक HTTP,
क्योंकि हम वेब सर्विस पे से हमारा डेटा ले रहे हैं, सो इसीलिए ये यूज होगा कंटेंट टाइप टेक्स एज वेल एज दी HTML, सॉरी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो रीड है वो उसको रिक्वेस्ट तो कर दी, अभी रिस्पॉन्स देना है हमें, तो वो हम कैसे करेंगे। सो जब ये रिस्पॉन्स आए तो ये सेंटेंस वहां पे लिखा होना चाहिए जो हम बेसिकली यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। सो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है, कि जो है हमें लिसन करना है। तो क्या लिसन करोगे आप, डॉट लिसन ब्रैकेट में जो बेसिकली हमारा HTTP पोर्ट है 8080। ओके, सो उसको सेव करते हैं यहां पे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जस्ट वेट, ओके। सो ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल, हेलो फ्रेंड दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिकल, सो एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। सो इसी तरह से हम अपना बना सकते हैं एक सिंपल वेब सर्वर, और उसको हम वहां से रिक्वेस्ट देके अपना जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वहां पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल लिखा है कि आप जब भी इंस्टॉल करते हो नोड जेएस, आपको पता नहीं कि ये कन्फिगर हुआ है कि नहीं, सो दिस इज द वन सिंपल सिंटैक्स कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड आप उसमें लिखते हैं। सो आई जस्ट ओपन द माई नोड जेएस एंड आई गो टू द डायरेक्टरी एंड जस्ट टाइप नोड मेन डॉट जेएस। सो देखिए ये हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो हमारा जो नोड जेएस हमने इंस्टॉल किया था वो भी कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। सो इस वीडियो में मैंने बताया आपको हाउ टू क्रिएट द सर्वर एंड हाउ टू मेक द आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।